आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि है इस डाटा वेन टैब के ऊपर। आज हम इस डाटा वेन टैब का टियर डाउन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या अंदर लगे हुए डिस्प्ले किस प्रकार की हैं। तो अगली बार जैसा कि हमने 4S का टियर डाउन किया था उसी प्रकार हम इसका भी करेंगे। तो हेलो गाइज, मैं उजागर और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल MGS Assembly। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमें क्या करना होगा कि इसे खोलना होगा, और चलिए हम लोग खोल लेते हैं जल्दी से। देख सकते हैं हमने इसका ऊपर का जो कवर होता है, जो ये प्लास्टिक का होता है, देख सकते हैं ये हमने हटा लिया है। कुछ इस प्रकार का है अंदर से, इसे साइड में रखते हैं और आपको ये दिखाते हैं अंदर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है इसका मदरबोर्ड है, ये कैमरा है, ये बैटरी है। सबको हम अलग अलग करेंगे, अलग करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। अगली बार हमने नहीं किया था अलग, इस बार हम करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए करते हैं। खोलने के लिए हम देखिए कुछ इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर की मतलब सहायता ले रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार टाइप का नट होता है, उसे खोल लेना होगा। चलिए फटाफट से हम खोल लेते हैं। ये नट मदरबोर्ड को मतलब बॉडी से पकड़े रखता है, जैसे कि मदरबोर्ड इधर उधर ना जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उसके लिए ये मदरबोर्ड लगा रहता है और ये नट भी लगा रहता है। तो आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड खोल लिया है और ये कुछ इस तरीके से बाहर आ गया है। बैटरी ग्लू से चिपकी रहती है तो हम उसे निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है और इसके अंदर इसी का CPU लगा हुआ है और इसकी बैटरी है ये कुछ इस प्रकार की। और ये एंटीना मैंने दिखाया था नेक्स्ट वीडियो में, एप्पल वाले वीडियो में जो आपको बताया था, ये वायर सिम के लिए ही होता है जो नेटवर्क को कैच करने में सहायता करता है। और ये इसकी बैटरी देख सकते हैं कितनी बड़ी है, लिथियम आयन बैटरी है। और ये इसका स्पीकर है और ये इसका ये माइक देख सकते हैं पीछे से कुछ इस प्रकार का ये है। अंदर से ये इसका चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट कैमरा है और ये 3.5mm हेडफोन जैक। और यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, मैं एक्चुअली तीन बटन होती है, एक बटन ब्लैक कर गया है। ये दो बटन है, वॉल्यूम और प्लस पावर बटन है। और इसका ये कनेक्टर यहाँ पे जो LCD डिस्प्ले कनेक्टर है, यहाँ पे टच पैड का कनेक्टर है जो मैंने पहले ही अलग कर लिया था। तो चलिए मदरबोर्ड को तो आपको मैंने दिखा दिया, अब इसके डिस्प्ले के ऊपर आते हैं। पहले तो मैं आपको ही दिखा देता हूँ इसका, ये देख सकते हैं ये जिससे हम कॉलिंग से बात करते हैं, ये स्पीकर माइक्रो स्पीकर लगा हुआ है। ये डिस्प्ले की जो आप देख सकते हैं कनेक्शन है, ये टच पैड का कनेक्शन है। मैं डिस्प्ले भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइस डिस्प्ले बाहर आ गया है और डिस्प्ले कुछ इस तरीके का है। देख सकते हैं डिस्प्ले करीबन 7 या 8 इंची कुछ इसी प्रकार का है। मैं डिस्प्ले को भी खोल के दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइस इसके आर पार दोनों दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ आपको दिख जाता है वाइट कलर का ये प्लास्टिक टाइप का पेपर है जो हमारे स्किन के ब्राइटनेस को मेंटेन रखता है, जो हम ब्राइटनेस को ज़्यादा तेज करते हैं इसी के बदलाव होता है। मैंने आपको डिस्प्ले भी दिखा दिया, अब मैं क्या करूँगा आपको टच पैड दिखाते हैं। ये टच पैड क्या काम करता है, जो हम यहाँ से फिंगर टच करते हैं और वो ऐप पे क्लिक होता है या जो भी हम काम करते हैं उसी के लिए लगा है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा टैब आपके सामने खोल दिया है, आप
आपको उसे दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैंने आपको क्लियर डाउन कर दिया है पूरे अपने डाटा माइन टैप का। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि जो हमारे डाटा माइन टैप यूज़र हैं उन्हें भी देख सके कि उनके टैप के अंदर क्या होता है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।